टाइम पूजा। अब आधा घंटा फिर से वॉक करो। किंजल बेन, आप कब आए? और आपने बताया भी नहीं। और ये लड़की कौन है? जी कहिए। इज मिस्टर धवल देसाई देयर? धवल जी तो नहीं है, बट ही डजंट लिव हियर। मैं उनकी वाइफ हूँ। वाइफ? वैसे आप कौन है? आई एम पूजा कपाड़िया फ्रॉम कैनेडा। एक रास्ता है, शायद मुझे खो देने का डर ही उन्हें अरे इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए आगे बढ़ाएगा। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स? हाँ, क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि आपका मेरे साथ रहना मुश्किल हो गया है, इसीलिए इस इशू को खींचने से क्या फायदा, तो इसे आज ही खत्म कर देते। इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करें और मुझे जाने दीजिए। मैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। साचू चाहिए सपनों, पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और ये किंजल खुद ही छुट्टा छेड़ा के कागज बनवा के लाई। इस पे साइन तो आपने भी नहीं किए किंजल जी। ओ मैंने साइन कर दी। सही करना, सोचे चेशु, चल दस्तखत कर, ये कागज ले हाथ में। Thank you.
मुझे तो लगा शायद इन्होंने तो साइन। कनाडा वाली छोकरी के साथ धवल का लगन करने पे मुझे कोई नहीं रोक सकता। छोटी कागड़ी बाहर और कनाडा वाली अंदर। सुना मतो? हाँ, पूजा, पूजा वेड्स धवल। सरस, बहुत सरस। जल बेन, आप कब आई? जय श्री कृष्ण भक्त। जय श्री कृष्ण। आप यहाँ? हाँ भाभी, वो मैं अपना फोन भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। आप ठीक तो है ना किंजल बेन? हाँ, मैं बस सोचा कि कुछ वक्त आप लोगों के साथ बिता लूँ। वो मैं कल से गोपी वो। हाँ माँ जी आई। आप किंजल बहन, आप भी तुलसी माता का ध्यान कीजिए और ये अगरबत्तियाँ जलाइए, देखिएगा आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। पूजा, अब आधा घंटा फिर से वॉक करो। किंजल बेन, आप कब आए और आपने बताया भी नहीं? और ये लड़की कौन है? जी कहिए। इज मिस्टर धवल देसाई देयर? धवल जी तो नहीं है, बट ही डजंट लिव हियर। मैं उनकी वाइफ हूँ। वाइफ? वैसे आप कौन है? आई एम पूजा कपाड़िया फ्रॉम कैनेडा। हाय पूजा, तुम कैसी हो? हाँ शी भाभी, आप इसे जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ इसे, बट मैं तो आपको नहीं जानती। पूछा, मुझे तुमसे पूछा। हम सॉरी, वो मैं अभी साफ कर देती हूँ। ओह नो, आपकी ड्रेस भी खराब हो गई। राशि भाभी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। वैसे भी अब मुझे अंदर जाके ये ड्रेस साफ करनी पड़ेगी। पूजा, तुम धवल भाई का नंबर ले लो। थैंक यू, बाय।
ये मम्मी ना एक ना एक दिन मुझे मरवा के छोड़ेगी। अभी तो कनाडा जाना एकदम नक्की। छुट्टा छेड़ा ना कागज भी तो साइन हो गया है। चलो केत की बहन को फोन लगा के बता देती हूँ। हाँ राशि दिक्रा बोल। मम्मी आपको पता है अभी यहाँ कौन आया था? कौन आया था? अरे वो कनाडा से पूजा कपाड़ी आई थी। पूजा? हाँ मैंने आपको पहले ही कहा था ना ये कनाडा के सौते मत पालो। लेकिन आप है ये सुनती ही नहीं। अब हो गई ना मुसीबत। मम्मी आपको पता है वो पूजा कपाड़िया अभी किंजल बेन से टकराई थी। हाँ? किंजल बेन ने उससे कहा कि वो धवल भाई की वाइफ है और जो कुछ कहना है वो उससे कहे। और नहीं तो क्या? मम्मी देखो मैं आपको पहले ही कह रही हूँ आप उससे अभी के अभी मिलो और ये सारा मामला अभी के अभी सुलझा दो। देखो मैंने उसे आपका नंबर दिया है ये कह के कि ये धवल भाई का फोन नंबर है तो वो अब आपको फोन करेगी। मम्मी और कहीं वो कनाडा वाला कपल यहाँ आ गया और कागड़ी को उसकी भनक पड़ गई तो समझ लो आप और मैं कागड़ी हम दोनों को मार डालेंगे। अच्छा मम्मी मैं अभी फोन रखती हूँ आप ये सारा मामला सुलझा लो और मैं आपसे बाद में बात करूँ। वो तो जिंदाज मरी गई। पानी फिर गया मेरी सारी कलाकारी पे। मारा तो फूटिया नसीब। जब भी मैं ज्यादा खुश होती हूँ कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। कान पकड़ती हूँ आप मैं कभी भी ज्यादा खुश नहीं होंगी। ज्यादा खुश होना बंद। हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। रिश्ता।